बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना मावा के, सिर्फ दूध और मखाना से हम हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। फेस्टिवल और त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, ऐसे में गेस्ट या मेहमान का आना जाना लगा रहता है, तो कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट से मिनटों में बनके तैयार होने वाला मखाने का टेस्टी और हेल्दी डिज़र्ट बना के तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन। यहाँ मैंने पैन को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 100 ग्राम मखाना डालेंगे। पैन में मखाना डालकर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे। मखाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसे अपने रेगुलर डाइट में या डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें या ऐड करें। मखाना को भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे हाथ से चेक कर लेंगे। ये देखिए, हाथ से मखाना इजीली टूट रहा है। हमारा मखाना बिल्कुल परफेक्ट भुन के तैयार हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब मखाने को दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी पैन में फैला लेंगे और घी को गर्म होने देंगे। ये देखिए, घी गर्म हो गया है और अब हम काजू, किशमिश और बादाम को यहाँ मैंने काट लिया है, हम इसे घी में डाल करके फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को हम मीडियम फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट को प्लेट में निकाल लिया है और अब सेम पैन को ही हम फिर से गैस पे गरम होने देंगे और इसमें भुना हुआ मखाना डालेंगे। और यहाँ मैंने एक मग और लीटर से नापे तो 1 लीटर बॉयल दूध लिया है। दूध को मैंने नॉर्मली गरम कर लिया है और अब हम इसे मखाना में डालेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। दूध डालकर मखाना को हम अच्छी तरह से चला लेंगे या मिला लेंगे। खीर को हम मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए पकाएंगे, जिससे मखाना हमारा दूध को अच्छी तरह से सोख लेगा। और ये देखिए, मखाना दूध सोख लिया है और मखाना सॉफ्ट भी हो गया है, दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मीठा ऐड करने के लिए यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। आप चाहे तो चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क डालने से दूध हमारा गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा। कंडेंस मिल्क डालकर दूध को हम मिला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे। दूध को पकाते हुए 4 मिनट हो गया है और ये देखिए, दूध का कलर चेंज हो गया है और दूध हमारा गाढ़ा भी हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करके हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड कर खीर को हम 1 मिनट के लिए और पकने देंगे और खीर में एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, खीर में उबाल आ गया है और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और खीर को ठंडा होने देंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, खीर हमारी ठंडी हो गई है और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस तरह मखाना का खीर आप घर पर बनाएंगे तो घर वालों के साथ साथ आपके मेहमान भी आपकी तारीफ करेंगे। मखाने के खीर को यहाँ मैंने सर्व कर लिया है और चलिए अब हम इस पे ड्राई फ्रूट के साथ अच्छी तरह से सजा लेंगे। मखाने के खीर को आप त्यौहार हो या घर पे मेहमान आए हो, आप इसे इजीली इंस्टेंट बना के तैयार कर सकते हैं और 1 से 2 दिन फ्रिज में ठंडा करके इसे सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है।